और बात बीजापुर की होगी, जहां पर अरापल्ली से उसूर तक 8 करोड़ 36 लाख की लागत से बने 12.5 किलोमीटर सड़क एक महीने में ही उखड़ने लगी है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। जून महीने में बारिश के दौरान सुरक्षा बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच इस सड़क का निर्माण कराया गया था। जिस तरीके से यहाँ पे विधायक जी भी उस रोड का भूमि पूजन कर चमचमाती एक रोड देने की बात कही थी, अगर तभी इनका चमचमाती रोड और विधायक जी को मैं मानता कि अगर सार्थक होता कि वो स्वयं गुणवत्ता पूर्ण अगर इस सड़क को निर्माण कराने में अपनी भूमिका रखती। और उसी मांग को मद्देनजर रखते हुए आवापल्ली से उसूर तक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी कुछ पुल पुलियों का काम भी शेष है और सड़क का काम शुरुआत से ही घटिया बन रही थी, जिसकी शिकायत अधिकारी नेताओं और विभाग को हम लोग बता रहे थे, लेकिन किस्टोन वहाँ मनमानी काम कर रहा था। आज सड़क को बने एक महीने भी नहीं हुआ है। बीजापुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर उसूर की सड़क पर हम मौजूद हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है। दरअसल उसकी वजह है यहाँ बने एक महीने पहले जो सड़क बनी थी उसकी गुणवत्ता को लेकर। आप देखिए कितनी लंबी यहाँ पे रिपेयर इसको किया जा रहा है, उखड़ गई थी, अभी बने से एक महीने का समय नहीं हुआ है, उखड़ गई थी और लगातार इसको रिपेयर जो कंपनी है वो कर रही है, क्योंकि लगातार इसको लेके बीजापुर में राजनीति गरमाई हुई थी और लगातार जो है आरोप भाजपा इस पर लगा रही थी। और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको ये सड़क, कमोबेश ऐसी स्थिति जो है उसूर तक आपको मिलेगी, और जो कंपनी है कीस्टोन इंफ्रा उसने किस तरीके का काम किया है आप देखिए। एक जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है। उसके अलावा जो जेसीबी है उस तरह आप देखिए जेसीबी काम कर रही है और उसके पीछे भी यही स्थिति बनी हुई है। जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं कंपनी पर वो गलत नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहाँ पे जहाँ की सड़क के बारे में लिखा जा रहा था, बताया जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे। एक तरफ भाजपा इस सड़क का श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी, अब कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है और सड़क इस तरीके से बनी है उसकी वानगी आप यहाँ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये गुणवत्ता को दरकिनार करके, जो मापदंड है उनको दरकिनार करके ऐसे नक्सल इलाके में सड़क बनाई गई है, जहाँ पे सुरक्षा मुहैया होना बहुत मुश्किल रहता है। इस सड़क को बनने के समय भी यहाँ पे सुरक्षा लगी थी, आज जब इसको रिपेयर किया जा रहा है तब भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो सुरक्षा बल के जवान है वो इनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र के लोगों को आजादी के बाद मिली तो कैसी सड़क, इस पे आप जरूर सोचिएगा। उसूर सड़क से पवन